ऋषिकेश से सटे टिहरी जिले के मुनि की रीति स्थित पूर्णानंद मैदान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सरस आजीविका रोजगार मेला आरंभ हो गया है। प्रदेश के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। मेले में 19 राज्यों के 116 स्वयं सहायता समूहों के 300 से अधिक सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड से 80 से अधिक स्वयं सहायता समूह के 250 सदस्य मेले में अपने अपने जिलों के उत्पाद लेकर आए हैं। वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि मेले एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने का माध्यम है। इसके साथ ही इन मेलों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ स्थानीय उत्पादों को बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का ये सरस मेला जो पहली बार टिहरी जनपद में लगा है और निश्चित रूप से पूरे देश भर के यहाँ लोग आए हैं जो अपने अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं, अपने अपने उत्पाद लेके आए हैं। हमारे उत्तराखंड को आप जानते हैं, जिस प्रकार की यहाँ की संस्कृति, यहाँ के उत्पाद सभी लोग पसंद करते हैं। आप जानते हैं मेले का मकसद होता है मेल मिला, तो वो एक माध्यम यहाँ पर है और आने वाले टाइम पे ये मेला निश्चित रूप से अपने उत्तराखंड की दृष्टि से कहूँ या क्षेत्र की दृष्टि से कहूँ और देश की दृष्टि से कहूँ, ये बहुत ही यहाँ पे मील का पत्थर साबित होगा। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, खासकर उत्तराखंड में महिलाएं इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं।